नमस्कार, मैं रोशन हूँ और मेरे साथ आज हैं रविशंकर पांडे जी। रविशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको मैं बता दूं नमस्कार। कि रविशंकर जी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने कार सेवा की थी, और कार सेवा केवल कार सेवा नहीं की थी, जो विवादित ढांचे के गुंबद में चढ़े थे और जिन्होंने हथौड़ी छेनी मारी थी, उनमें शामिल है, जिन पर मुकदमा चला, कई साल मुकदमा चला, और उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट से रिहा हुए और आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ गया है। और इस बीच उनकी क्या भूमिका रही, और राम ट्रस्ट जो जन्मभूमि ट्रस्ट है उनकी क्या भूमिका रही, और उनका इस पूरे निर्माण कार्य में क्या उनकी भूमिका रही, उस पर बहुत सारे सवाल उनसे पूछेंगे। रविशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर और सबसे पहले तो आपको बधाई कि जो आपने संघर्ष किया था उसका आज प्रतिफल मिल रहा है, कि श्री राम मंदिर का, एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है सर। जो संघर्ष हम लोगों ने किया और आज उसका प्रतिफल मिला, बड़ा सुखद लग रहा है। जी सर। और ये बताइए कि वो दिन कैसे याद आते हैं जब आपने कार सेवा की थी और इतना बड़ा हुजूम, एक जो हिंदुत्व की लहर आ गई थी, और उसमें कैसे जोश था कि आप लोग सब कुछ भूल भाल के और एक विवादित ढांचे की तरफ चल पड़े थे? उस समय तो बस राम काज करबे को आतुर वाली बात थी। सभी युवा थे और सभी के अंदर जो है ये जोश हिलोरे मार रहा था। एकमात्र लक्ष्य था बाबरी मस्जिद को तोड़ना और उस पर राम मंदिर का निर्माण करना। तत्कालीन सरकार, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उन्होंने ये फतवा जारी कर दिया था कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो कार सेवा कैसे होगी। हम सभी राम भक्तों ने उसको चैलेंज के रूप में लिया और हम लोगों ने उनको दिखा दिया कि हम लोग अयोध्या में प्रवेश भी कर सकते हैं और गुंबद पे चढ़ करके भगवा झंडा भी हम लोग लहरा सकते हैं। हालांकि उसकी कीमत बड़ी, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हमारे कई साथी उसमें मारे गए, कई लोगों की दुकानें लूटी गईं, सरजू जी का पानी लाल हो गया, इतनी हत्याएं हुई हैं अयोध्या में। लेकिन सर, सब कुछ बलिदान देने के बाद आज जो दृश्य हम लोग देख रहे हैं कि हमारे रामलला हम अपने महल में पधार रहे हैं, इससे बढ़ के खुशी और क्या हो सकती है सर। तो आपको प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण मिला? सर, निमंत्रण तो नहीं मिला हम लोगों को और न ही उम्मीद है निमंत्रण मिलने की। निमंत्रण तो उन लोगों को मिलेगा, माननीय अखिलेश यादव जी को निमंत्रण मिलेगा, जो रक्त बीज हैं, जिनके पिताजी ने निहत्थे और निर्दोष कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी। निमंत्रण तो सोनिया गांधी को मिलेगा सर, जिन्होंने कहा था कि राम का अस्तित्व ही नहीं है। कोर्ट में विपक्ष में जो है उन्होंने 21 वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी। तो हम लोग तो सर राम भक्तों को निमंत्रण नहीं मिलेगा सर। निमंत्रण तो जितने लोगों को निमंत्रण मिला, सबको, सबके राजनीतिक कारण है सर, और ये सब राजनीति से प्रेरित निमंत्रण जा रहे हैं सर। हाँ, तो ऐसे जितने भी जो कार सेवक, वो कार सेवक है जो जिन्होंने वास्तव में कार सेवा की थी, जिन्होंने ढांचे को ढहा दिया था, प्लेन कर दिया था, और वहां पर टेंट लगा के और रामलला की उन्होंने पुनर् स्थापना की थी, उनमें से कितने लोग हैं जिनको कार्ड मिला है? कोई ऐसा अंदाजा? आपके साथी लोग थे सर? सर, उसमें कुछ ही परिवार हैं, कुल मिला के 5-6 परिवार हैं, और उन परिवारों को मिला है सर वो जैसे कोठारी ब्रदर्स, हाँ, कोठारी बंधु, जिन्होंने अपनी आहुति दे दी थी, जो शहीद हो गए थे इस आंदोलन में, तो उनके परिजनों को मिला है। और भी 2-3 लोगों को के परिजनों को मिला है, जो अब अयोध्या के 5-6 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी आहुति, अपना बलिदान किया था इसमें, उनके परिजनों को बिल्कुल पूछा नहीं गया। जैसे रमेश धरकार, रमेश पांडे, और एक गुप्ता था सर, यही का है। तो वो ये सब जो है ये इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, लेकिन इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है।
और न ही कोई हालचाल ले रहा है इन लोगों की कि कौन किस हालत में है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है सर। तो ये राम ट्रस्ट वालों ने, ये जो मंदिर ट्रस्ट बना है, उन्होंने भी संपर्क नहीं किया कि हमारे जो कार सेवक है, जिन जिनकी कुर्बानियां, इतनी बड़ी कुर्बानी हुई, उनके उनको बुलाना चाहिए या उनसे संपर्क करना चाहिए कि किस हाल में है वो लोग? जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी ने कोई संपर्क नहीं किया और ना ही किसी ने किसी का हालचाल पूछा, और बस ऐसे ही चल रहा है सब। अब क्या किया जाए सर, उसमें क्या कहा जाए। तो फिर जो कार सेवक आप लोग हैं, वो दर्शन करने कब जाएंगे रामलला के? तो सर हम लोग 30 जनवरी को हमारे सेनापति थे संतोष दुबे जी, जी जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने 30 अक्टूबर को भी मार्च किया था गुंबद की तरफ, विवादित गुंबद की तरफ, और वहां पे हम लोगों ने भगवा झंडा फहराया था। 2 नवंबर 1992 90 को हम लोगों ने गोलियां खाई थी सर, और उन्हीं के नेतृत्व में 3,000 लोगों का जत्था लेकर के हम लोगों ने जो है वहां पे वो तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार के बर्बरता की जो है वो हम लोग गवाह हैं सर। तो और 6 दिसंबर 1992 को हम लोग साथ में मिलकर के 5,000, हम लोगों के साथ 5,000 लोगों का जत्था जो धावा बोलते हुए हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए, और जाकर के हम लोगों ने मस्जिद पे धावा बोला और उसको नेस्तनाबूत किया। तो उसके पहले सन 1984 में संतोष दुबे जी ने संकल्प लिया था शलाका पुरुष रामचंद्र परमहंस जी के साथ कि जब तक रामलला अपने महल में पधार नहीं लेंगे, विराजमान नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं रामलला को दर्शन नहीं करूंगा और न ही अपना घर बनवाऊंगा। तो 30 जनवरी को वो 40 साल पूरा हो जाएगा सर। तो अच्छा, हम लोग जो बचे कुछ हमारे कार सेवक हैं उनको साथ में ले जा करके और पैदल नंगे पांव रामलला को अपना मुंह दिखाएंगे सर कि आदेश दीजिए और हम लोगों को क्या करना है, काशी और मथुरा बचा है, और अगर आपका आदेश हो तो काशी मथुरा की तरफ भी कूच करेंगे हम लोग। उसमें आप लोग शिवसेना के सिपाही थे? जी सर, उस समय संतोष दुबे प्रदेश शिवसेना के पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख थे, और मैं फैजाबाद मंडल, उस समय फैजाबाद हुआ करता था सर, तो जी फैजाबाद मंडल का मैं शिवसेना प्रमुख था, और जो भी विवादित गुंबद को तोड़ा गया था वो शिवसेना के बैनर के तले ही तोड़ा गया था, और इसका सर श्रेय बाला साहब था, हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे को जाता है सर। जी तो और और जी सर, उसमें ये भी खबरें आ रही हैं कि अभी तक उद्धव ठाकरे को इनविटेशन नहीं मिला है, उनको भी नहीं बुलाया गया है। तो जो पुर चुकी उसमें भी हमारी बात हुई थी कि शिवसेना का इसमें बहुत बड़ा रोल है, हालांकि जो कार सेवा तो सभी लोगों ने की थी, लेकिन जो विवादित जी ढांचे को ढहाने का जो काम किया था वो शिव सैनिकों ने किया था। जी सर, और अब वो राजनीतिक कारण हो सकता है सर कि उनको इनविटेशन क्यों नहीं दिया गया, और लेकिन सच्चाई तो यही है सर कि वो विवादित ढांचे को विध्वंस करने में हम शिव सैनिकों का ही हाथ है सर। जी तो अभी जो आपके सामने, चूंकि आप तो बिल्कुल अयोध्या के मध्य में रहते हैं, आप हार्ट में रहते हैं, और जी सर, जो 10 साल पहले या 20 साल पहले जो अयोध्या थी, आज वो अयोध्या कैसे दिखती है? क्योंकि ऐसा लगता है कि पूरी अयोध्या का कायाकल्प हो गया है। सर अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है और हो चुका है और भी होगा, और पहले की अयोध्या में और आज की अयोध्या में बहुत अंतर हो गया है सर। पहले तो अयोध्या डरी सहमी हुआ करती थी, कब अयोध्या में क्या हो जाएगा कोई ठीक नहीं है, लेकिन आज की अयोध्या कोई विवाद नहीं रह गया है। विवाद सारे विवाद क्या हमारे रामलला का ही विवाद था जो हल हो चुका है, और उनका महल बन रहा है, करीब करीब बन चुका है, और अब तो राम राज्य स्थापित करने की बात है। और सर वो बस एक डर है कि अयोध्या को एक बिजनेस हब ना बन जाए और बना दे लोग, और इसकी जो वास्तविक पौराणिक जो पहचान है अयोध्या की वो ना खत्म हो जाए, क्योंकि जिस हिसाब से इसका इनका अयोध्या का डेवलप कर रही है सरकार, तो ये लग रहा है जैसे ये सर ये बंबई और दिल्ली कोलकाता की तरह
मुंबई बंबई मुंबई और दिल्ली और कोलकाता की तरह इसको बिजनेस हब बना दिया। जी, तो इसमें आपको इसमें आपको ये भी लगता है कि वहां अब रोजगार के साधन खुलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि इतने सारे जो टूरिस्ट आएंगे, जैसे हमने बनारस में देखा कि कॉरिडोर बनने के बाद बड़ी संख्या में लोग बनारस आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वहां भी इस तरह की चीजें आएंगी, इस तरह की होंगे, और लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों का जो जीवन स्तर सुधरेगा, क्योंकि मैंने देखा कि अयोध्या में अभी गरीबी है। सर रोजगार का आलम यह है सर, यहाँ पे होटलों की संख्या कुछ ज्यादा है सर, और पर्यटन की दृष्टि से और भी तमाम होटलों का निर्माण हो रहा है, तो युवा पढ़ा लिखा युवा होटल में वेटर ही बनेंगे सर, ऑटो रिक्शा ही चलाएंगे सर, और यहाँ पे प्रसाद और ये कहिए कि कोई रचनात्मक कार्य नहीं कर पाएंगे सर, यहाँ पे तो बस पर्यटन की दृष्टि से होटल और प्रसाद बेचना, ऑटो रिक्शा चलाना, इसके अलावा यहाँ क्या रोजगार हो सकता है? यहाँ कोई रोजगार नहीं सर, यहाँ अच्छा, न कोई ऑफिस है ढंग का, न हाँ कोई तो फैक्ट्री है कोई, न किसी तरह की कोई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सर, यहाँ तो बस केवल बड़े बड़े होटलों के ग्रुप हैं सर, और वो जो है पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार भी देंगे, वो कितना रोजगार देंगे सर, कितने वेटर बनाएंगे, उसके बाद तो फिर वही हाल होगा सर पहले वाला। अच्छा, तो उसमें जैसे वहाँ कोई संस्थान खुले, जैसे IIT खुले, IIM खुले, इस तरह का एक ही वहाँ ले देकर, एक ही यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी का ये वही फैजाबाद के बॉर्डर पर है, उसके अलावा तो और जी कुछ सर कुछ लगता नहीं है। नहीं सर, कुछ नहीं, एक विश्वविद्यालय के अलावा और एक मेडिकल कॉलेज के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है सर, किसी भी तरह का रोजगार की बात है तो हमने आपको बताया सर कि ये रोजगार केवल होटलों में ही है सर, ऑटो रिक्शे ऑटो ऑटो रिक्शा ड्राइविंग का है, और प्रसाद बेचना सर, फोटो बेचना, और रामलला का मॉडल बेचना, इसके अलावा और कोई रोजगार यहाँ नहीं है सर। अच्छा, जो भी होटल हैं वो तो बाहर के लोगों के ही हैं, जो पैसे वाले लोग बाहर से आए होंगे, जिन्होंने जमीन खरीदी होगी। ये बाहर के लोगों के हैं, और उसमें जो भी इम्प्लाई होंगे सर उनके अपने आदमी होंगे, और जो छोटे मोटे होटल खुल रहे हैं उसमें बस सर वही हाल है, कितना रोजगार देंगे ये बेरोजगारों। और इसी तरह से जैसे मैंने देखा कि खरीद फरोख्त, यहाँ पे जो जमीन की खरीद फरोख्त में बहुत तेजी आई है, बहुत ज्यादा बाहर के लोग जमीन खरीद रहे हैं, तो लोकल लोगों का भी मुझे लगता है कि उनका हिस्सा भी जाएगा। सर जमीन तो करीब करीब अयोध्या में अब स्थानीय लोगों की जमीनें तो खत्म हो चुकी हैं सर, क्योंकि रामलला पर फैसला आने के बाद ही जमीन की कीमत आसमान छूने लगी, और बाहर के तमाम ग्रुप्स और तमाम पार्टियां और रियल एस्टेट वाले आकर के जमीन बढ़ते मुंह मांगे दामों पर उन्होंने खरीदा, तो यहाँ के जो आसपास 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर की रेंज में जो भी किसान थे या जमींदार लोग थे उनका तो स्तर सुधरा सर, उनका स्तर सुधरा। जी, तो कुल मिलाकर राम मंदिर बन रहा है तो सबके लिए खुशी की बात है, और अयोध्या का चहुं ओर विकास हो, लोगों को रोजगार मिले, और रोजगार भी स्थायी रोजगार मिले, या लोग अपना बिजनेस खड़ा करें, जैसे होटल हो तो होटलों में प्रायोरिटी लोकल लोगों को मिले कि वो जमीन अपना होटल बनाए, उनको सरकार वहां पर सुविधा दे, तो मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा होगा। सर होना यही चाहिए, होना यही चाहिए कि बाहर के लोगों को जो न बुला करके यहाँ के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है सर, जो भी आ रहे हैं बाहर के ही लोग आ रहे हैं, और वही अपना चारों तरफ हर क्षेत्र में वही छा रहे हैं सर, और यहाँ के लोकल युवा जो हैं स्थानीय युवा उनकी तरफ जो है वेटर की नौकरी के लिए सर, अब इसके अलावा यहाँ कुछ है ही नहीं सर, बस केवल हमने आपको बताया सर कि केवल होटल और ऑटो ड्राइविंग और रामलला का प्रसाद बेचना, फोटो बेचना, इसके अलावा कोई रोजगार नहीं है सर यहाँ। तो चलिए, मुझे लगता है कि अभी समय लगेगा, शायद जब जैसे जैसे धीरे धीरे टूरिज्म बढ़ेगा तो लोकल लोगों को भी इसमें मदद मिलेगी, और वो भी अपना व्यवसाय खड़ा कर देंगे, लेकिन कुल मिलाकर राम मंदिर का निर्माण हुआ है और उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है,
कार सेवकों की, तो कार सेवक उनको कार सेवकों को सम्मान मिले, ऐसे मेरी भी कामना है, क्योंकि हम भी सुनते थे, देखते थे कि कार सेवकों ने कैसे सिर पर कफन बांधकर और अपने जान की बाजी लगाकर वहाँ कार सेवा की थी। जो नेतागण थे, निश्चित तौर पर नेतागण ने तो लोगों को प्रेरित किया ही, उनकी अपनी भूमिका रही है, लेकिन जो जिन लोगों ने कार सेवा की उनकी बड़ी भूमिका रही है। सर, उस समय का मंजर, उस समय की घटनाएं सर याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी 2 नवंबर को जब गोली चली थी अयोध्या में, जिस गली में गोली चली थी सर, हम लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती है कि हम लोग उस गली से गुजर जाएं, क्योंकि उस गली से गुजरने पर वो सारी बातें अचानक चलचित्र की तरह आंखों के सामने आ जाती हैं सर। और वो सब हमारे पुराने साथी जो 1 घंटे पहले हम लोगों के साथ थे और उसके बाद जो है वो चले गए, अचानक चले गए, तो ये सब बातें, वो सब मंजर और याद करने के बाद बड़ी तकलीफ होती है सर। लेकिन इन सब चीजों के बाद सबसे बड़ी चीज ये हुई सर कि जो हम लोगों ने किया, जो हम लोगों ने अपना अपनी युवावस्था ने उछावर कर दिया और अपनी रोजी रोजगार के लिए हम लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया, सिर्फ राम जन्मभूमि की आंदोलन से हम लोग जुड़े, तो उसका फल प्रतिफल जो भी कहें सर, वो आज रामलला का महल बन रहा है सर। सारे सारे दुख दूर हो गए हम लोगों के, सारे कष्ट खत्म हो गए और बड़ी सुखद अनुभूति हो रही है। और बस एक चीज कहना है सर कि अयोध्या की सरकार अयोध्या की पौराणिकता खत्म न करे बस, और बाकी तो सब ठीक चल रहा है सर। अच्छा, तो अभी अब 30 तारीख को आप 30 जनवरी को जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे और अपने साथियों के जी साथ, सर, परिवार के साथ। जी सर, जी सर। उस समय जो हमारे प्रदेश के बचे खुचे और अन्य जिलों के जो बचे खुचे कार सेवक हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है और सब लोगों को उस दिन आमंत्रित करके और एक साथ नंगे पांव हम लोग जाएंगे और रामलला का दर्शन करेंगे और उनके सामने ये कहेंगे, प्रभु जो हमने आप लोगों से हम लोगों ने जो आपसे वादा किया था उसको हमने पूरा किया, और भी कोई आदेश हो तो बताइए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की और भगवान राम आप पर आशीर्वाद बनाए रखे, आपने इतना बड़ा काम किया, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।